ऐसा भेज मुलाकात, अरे हटाना डॉक्टर, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, लेकिन ये मुलाकात आपकी और मेरी ने कुछ मुलाकातें बेइज्जती करने और करवाने के लिए होती है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, लेकिन ये मुलाकात आपकी और मेरी नहीं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, लेकिन ये मुलाकात आपकी और मेरी नहीं। कुछ मुलाकातें बेइज्जती करने और करवाने के लिए होती है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में इन मुलाकातों को पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं। तो आज मैं इसी जलील होते हुए कुछ छात्रों को देखने आया हूँ। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फीस जमा करो पब्लिक स्कूल में, जहाँ आज किसी के टॉप करने पर मिठाइयां बरसाई जाती है तो किसी का बाप सरदार खान की तरह उसे कूट देगा। जिसने आज टीचर पेरेंट्स में कायम आज जिसके अंग्रेजी में नंबर आए चार। नमस्कार, मैं हूँ रबीश कुमार। चलिए क्लास देखते। First, hello. What is the name? This is our dressing school. Daily Community. Vision Community Park. क्या सिखा रहा है तुम बेटे को? दिन भर शरारत करते रहता है। हाँ, करने करने कंट्रोल लेके जाइए स्कूल, तब बोर्डिंग सुने डालो, तब अगर आएंगे स्कूल। और क्या करते हो? क्या करते हो? कौन रहा? आप बच्चे हैं तो फ्यूचर। चलिए अगली क्लास देखते हैं। मैम, आपकी बेटी इतनी बदतमीज है, सारा दिन क्लास में शैतानी करते रहती है। मैम, मैं मान ही नहीं सकती मेरी बच्ची शैतानी कर सकती है। आप इसका चेहरा तो देखिए, कितना मासूम है, ये लगती भी शैतानी करेगी। और चलो मान लिया, बच्चे है, शैतानी तो करेंगी ना। बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनकी माँ? मैम, ये क्लास में बहुत बोलती है। मैम देखिए, मेरी बच्ची है, गुंडी थोड़ी ना है, मनमोहन सिंह थोड़ी ना है जो चुप रहेगी। बच्चे है वो भी नहीं ना। मैम, आप आपकी बेटी की साइड मत लीजिए, ऐसे क्लास में एक का भी आंसर नहीं आता। देखिए मैम, एक का आंसर नहीं आता तो क्या हुआ, बाकियों का तो आता है ना। उस एक आंसर की वजह से तुमने मुझे पीटीएम में बुला लिया, क्या पागल टीचर हो यार तुम। मैम ये देखिए, इंग्लिश में 20, साइंस में 20, मैथ्स में 10, टोटल में 50 नंबर आए इसके। टोटल में 50 लाए ना, तो इसका एंट्रेंस जब टोटल है तो उसे टोटल ही पढ़ाओ। आज इतने अच्छे मार्क्स टोटल में लाई है तो आज से ये सिर्फ टोटल पड़ेगी। आज से हम तुझे टोटल स्पेशलिस्ट बुलाएंगे, ठीक है? इतने अच्छे मार्क्स टोटल में लाई है तो ये आज से सिर्फ टोटल ही पड़ेगी, ठीक है? मेरे को तो लगता है ये टीचर ही गलत है। वाह, टीचर बना लिया, कहीं से भी टीचर नहीं दिखती, फटीचर है ये टीचर। चलो बढ़िया, चलिए अगली क्लास देखते। Shans mother, I was waiting for you only. Bola sir. You are a student in the class. Very, very naughty. No homework, nothing. सर अभी हम लोग सुकून से आके बैठे भी ना, बात ही भगवान फोड़ दे रहे क्या? सर झूठे को तारीफ तो करो अम्मा के साथ। चुप है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे तुम? मैं रोज पूछ रही ना, देखो होमवर्क कर लिया क्या बेटे, कर लिया क्या बेटे? हाँ मम्मी, होमवर्क हो गया बोलता। सर इन्हें घर का भी कुछ काम नहीं करता। आप इसको मारो, मेरे तरफ से पूरी इजाजत है आपको। ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, ही एंड हिज फ्रेंड मेकिंग स्टूपिड स्टूडेंट अदर। लुक एट हिम स्माइलिंग। चुप है, और बोलो सर। क्या बोलना अम्मा? अरे सब तो बोल रहे, फिर क्या बोलना अम्मा? देखो चुप है, बोलिए ना। देखो चुप है, बोलिए ना। बोलो सर। Always talking. अरे कितनी बार talking सर, अभी तो बोले ना। अब मारती हूँ तेरे को बीच में बोला था। Always eating, sleeping, peeing, no studying. All teacher complain about him. Science, English, mathematics, social, every teacher.
क्लास में खा रहा तू, लंच में नहीं मिलता ना? हाँ हम भी कुछ बोले तो इन्हें बोले कि अम्मा सुबह सोते रहते नाश्ता नहीं देते। अरे खैर झूठ बोल रहा सर, सर इसको रोज बोलती हूँ मैं खा के जा तो बोलता भूख नहीं है, पर तू घर में सो रहा है क्लासरूम में सो रहा है, इतना कहीं कुछ होता रहा अम्मा को? मैं सोता हूँ ये अम्मा वो लेट की तरह आँखा बोल जाते, चोर बोलता कि मैं चोरी करा बोलता जा दे रहा था अम्मा को, फाइडी बोल करता दूसरे बच्चे जाने दो अम्मा क्या होता है मारने से बुरी चुप करा दी बच्चे। सुनो सर की बात, डाल दो बोर्डिंग स्कूल में। मैं अम्मा आपसे नहीं करूँगा प्रॉमिस। सर आपसे नहीं कुछ भी करा ना, मेरे को फोन करो मैं करती हूँ इसका काम। एक सेकंड को अम्मा और एक बार क्या तो भी ऐसा तू चुप है बोलो सर, जरा बच्चे को रेगुलर भेजा करो सर। रेगुलर ही आता सर, संडे की स्पेशल क्लास भी अटेंड करता। अम्मा पहले तो स्पेशल क्लास में रहती, इन्होंने नॉर्मल क्लास अटेंड कर लिया वही बहुत ही। वीक में अम्मा दो डुबने तो कंपलसरी है, और ऐसो दिन भी हाफ दिन का लेटर लिखते प्रिंसिपल को, मतलब हम पागल हैं अगर पढ़ाने के वास्ते। रेगुलर आते अम्मा मैं झूठ बोल रहे सर। अच्छा भाई झूठ बोल रहे बेटा, अगर आप रेगुलर आते थे स्कूल को तो बोर्ड की एग्जाम में फेल नहीं होते थे। एग्जाम में भी फेल हुआ? कौन से एग्जाम में सर? हाँ परसों आप रिपोर्ट को साइन करे सो। कौन सी एग्जाम सर? अब तो चल घर पे देते घर पे अगली क्लास देखते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये मेरा बेटा है। ये आपका लड़का है? इसे तो मैंने पहली बार देखा। क्या करें मैम, हम खुद इतना परेशान है, इसको कितनी बार कहा है पढ़ लिया कर, ये मेरी बात सुनता कहा है। मैडम आप एक काम करो, आप इसको जमीन पर बिठा दो, आप इसको पूरी क्लास के सामने मुर्गा बना दो, तब अकल आएंगे इसे कैसे पेट काट करते इसके हम स्कूलों की फीस भरते इसकी ट्यूशन। चुप कराइए मैम, रात रात भर इंस्टाग्राम पे रील देखते बैठता है, इसको कहती हूँ पढ़ ले नहीं पढ़ता, इसके तो नंबर नहीं आ रहे इसके। भाई साहब आप एक बात बताइए इसको मैं कितना कहती हूँ नमाज पढ़ा कर रोजे रखा कर, इसके नंबर नहीं आ रहे, इसको पढ़ता ही नहीं है नमाज। इतना पैसा खर्च हुआ उसकी पढ़ाई पर, इतना पैसा अगर इस पर खर्च कर लिया होता तो आज ये कलेक्टर बन चुके होते। शादी से पहले माँ बाप की सुनो, शादी के बाद अपने बच्चों की सुनो, और बच्चे बड़े हो गए तो उनके टीचरों की सुनो। सारी जिंदगी सिर्फ सुनते आ रही हूँ, किसी को सुना नहीं पा रही मैं। देखिए मैम अगर आप कहोगे और ना प्लीज लीव मुझे दूसरे पेरेंट्स भी अटेंड करने। अरे आप तो मेरी बात नहीं सुन रही, बात नहीं सुन रही आप मेरी। देश के असली भविष्य देखकर मैं अगली क्लास की तरफ गया तो ऐसा लगा भारतीय कानून की सारी सजाएं चीजों के रूप में सामने आ गई। नमस्कार गुप्ता जी, कौन से जुर्म की सजा दी जा रही है बच्चे को? रमेश जी मैंने तो इन्हें अपना बच्चा सौंप दिया, अब ये मां सच्चे नहीं ला रहा तो उसके दो ही कारण हो सकते, पहले उन्होंने अच्छा पढ़ाया नहीं और दूसरा इन्होंने अच्छा पढ़ाया नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इन्होंने अच्छा पढ़ाया नहीं। शर्मा जी के बेटे ने तो टॉप किया है। मैडम मैं बोल रहा हूँ आपको उसे मार की जरूरत है, आप उसे मारिए। हम बच्चों को पीट नहीं सकते। एक बार कैमरे में देख के बोलो। हम बच्चों को पीट नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, मेरा बच्चा है मैं बोल रहा हूँ, आप इसे इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए, चाबुक से इसकी चमड़ी घेर दीजिए, उसे फांसी के बंधे पर लटका दीजिए, लेकिन मार्क्स अच्छा आना चाहिए। सर आपके पास बहुत परफ्यूम की स्मेल आ रही है, प्लीज थोड़ा दूर से रख के बोलिए। चलिए अगली क्लास देखते हैं। सर ये मेरा बेटा। देखिए आपका बेटा जो है ऐसा मत मारो, उसे बड़ा हो चुका है वो, पुलिस कंप्लेंट ना दी आपकी। अरे शार्प माइंडेड का मतलब आपका बेटा होशियार है, 95 मार्क्स आए उसके 100 में से, अच्छे मार्क्स है। Thank you.
Thank you.